Hello friends, welcome to the part 3 of January current affairs video. So मैंने पिछले वाले वीडियो में पार्ट 2 में मैंने यहाँ तक कर लिया था, तो अब आगे देखते हैं. यह यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को नेम्ड द ब्राजीलियन सिटी ऑफ रियो डी जेनेरो एज द वर्ल्ड कैपिटल ऑफ आर्किटेक्चर. ये आपको याद रखना है कि जो यूनेस्को ने अभी ब्राजीलियन सिटी है रियो डी जेनेरो, जो पहले ब्राजील का कैपिटल भी हुआ करता था, इसको वर्ल्ड कैपिटल ऑफ आर्किटेक्चर फॉर 2020 यूनेस्को ने डिक्लेयर किया है. अगला है द अरब इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट समिट हेल्ड इन लेबनान कैपिटल बेरूत. तो आपको याद रखना है कि लेबनान के कैपिटल बेरूत में यह अरब इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट समिट हुआ है, अभी जनवरी में हुआ था. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीट बिगन इन दावोस. ये दावोस में अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मीटिंग शुरू हुआ है, यहाँ पे पीएम भी गए थे अभी. ये दावोस स्विट्जरलैंड में है. इसका थीम जो था ये था ग्लोबलाइजेशन 4.0 शेपिंग ग्लोबल आर्किटेक्चर इन द एज ऑफ फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. अगला है पार्लियामेंट ऑफ मैसेडोनिया पास्ड द रेजोल्यूशन टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री टू नेम इट एज द रिपब्लिक ऑफ नॉर्दर्न मैसेडोनिया. आप देख सकते हैं यहाँ पे इस कंट्री का नाम चेंज हो गया, इसलिए इसको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ये चेंज करना पड़ा. अब मैसेडोनिया जो है ये रिपब्लिक ऑफ नॉर्दर्न मैसेडोनिया हो गया. अगला है कतर withdrawn its membership from organization of the petroleum exporting at OPEC से. कतर ने अपना वापस ले लिया है मेंबरशिप. ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, ये शायद एग्जाम भी आ सकता है, पूछा जा सकता है. अगला है यूनाइटेड स्टेट्स एंड इजराइल ऑफिशियली क्विट द यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को. यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल दोनों ने ऑफिशियली ये अनाउंस कर दिया है कि वो यूनेस्को का मेंबरशिप क्विट कर रहे हैं, 2018 के बाद ये मेंबर नहीं रहेंगे. अगला है फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ फ्रांस ब्रूनो ली मेरे अनाउंस दैट फ्रांस विल इंट्रोड्यूस इट्स ऑन टैक्स. ये एक गाफा टैक्स एक ला रहे हैं, ये फ्रांस एक गाफा टैक्स ला रहा है. इसका ये एक्रोनिम है, एक्चुअली गूगल एप्पल फेसबुक और अमेजन कंपनी में जो टैक्स लगाई उसको गाफा टैक्स नाम दिया गया है. टू इंश्योर द ग्लोबल जायंट्स पे फेयर शेयर ऑफ टैक्सेज, ताकि इनको जो ग्लोबल जायंट है इनको भी एक फेयर अमाउंट ऑफ टैक्स पे करना पड़े, इसलिए ये फ्रांस में लाया गया. तो आपको गाफा टैक्स याद रखना है. यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साइंड इन टू लॉ द एशिया रेजरेंस इनिशिएटिव एक्ट. ये आपको याद रखना है. अगर पूछा जाए कि एरिया, इसका एक्रोनिम है एरिया, ये कौन से कंट्री ने लाया है, तो ये यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने लाया है. नेक्स्ट एज ए न्यू इनिशिएटिव इन सिंक विद द डिजिटल इंडिया कैंपेन ऑफ द गवर्नमेंट मिनिस्टर ऑफ डिफेंस लॉन्च द मोबाइल ऐप RDP. इसका नाम है रिपब्लिक डे पैरेड, इसका फुल फॉर्म है. ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने लॉन्च किया है ताकि आप इसके हाईलाइट्स देख सकें रिपब्लिक डे इवेंट पर जो हुआ था. अगला है DRDO सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल LRSAM, इसका एक्रोनिम है. तो ये पूछा जाए कि किसने लॉन्च किया, तो ये DRDO ने लॉन्च किया है. इसमें जो नेवल वारशिप जो है इसका वो INS चेन्नई होगा. अगला है द फाइनल प्लानिंग कॉन्फ्रेंस टू वर्कआउट द मोडालिटीज ऑफ इंडियन अफ्रीका फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज IAFTX 2019 वॉज कंडक्टेड एट पुणे. ये आपको जगह याद रखना है, पुणे में फाइनल ये कंडक्ट किया गया था इंडिया अफ्रीका फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज. एक्सरसाइज सी विजिल, ये इंडियन नेवी का है. नेक्स्ट एक्सरसाइज इम्बेक्स, ये आप देख सकते हैं इसके एक्रोनिम से I फॉर इंडिया M फॉर म्यांमार. इम्बेक्स इंडिया म्यांमार के बीच में. दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है ये भी वर्ल्ड का सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट है, ये आपको याद रखना है. ये 5 साल से लगातार सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट में इसका नाम आ रहा है. अगला है ब्लूमबर्ग इनोवेटिव इंडेक्स, इसमें इंडिया को 54th रैंक मिला है, 54th स्पॉट मिला है इनोवेशन के फील्ड में. और इसमें साउथ कोरिया ने टॉप किया है चार्ट. ये आपको रैंकिंग याद रखना जरूरी है, रैंकिंग पूछा जाता है. इंडिया का इसमें 54th स्पॉट है. अगला ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिलीज्ड ग्लोबल करप्शन इंडेक्स, ये भी पूछा जा सकता है कि ग्लोबल करप्शन इंडेक्स ये कौन सी ये है इंस्टीट्यूशन रिलीज करती है, तो ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल होगा. इसने इंडिया को 78th रैंक दिया है, 180 कंट्री इसमें शामिल हुए थे इंडेक्स में. नेक्स्ट इंडिया हैज रिप्लेस जापान एज वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री. पहले जापान सेकंड सबसे लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री हुआ करता था, अभी इंडिया है. अभी टॉप पे जो है वो चाइना है. अगला जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट इंडियाज प्रीमियर कंटेनर पोर्ट लिस्टेड एमंग द टॉप 30 कंटेनर पोर्ट्स ग्लोबली. जो टॉप 30 पोर्ट्स जो है ग्लोबली जिनको कंसिडर किया जाता है उसमें जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट को भी काफी नाम आया है, ये 28वें नंबर पे है उस लिस्ट में. नेक्स्ट है इंडिया मूव्ड अप वन पोजीशन टू रैंक 80th ऑन द ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स.
स्विट्जरलैंड ने अभी भी इसको टॉप अपना पोजीशन बरकरार रखा है। इंडिया का 80th रैंक है ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में। अगला है, इंडिया इज अमंग्स द मोस्ट ट्रस्टेड नेशंस ग्लोबली व्हेन इट कम्स टू गवर्नमेंट बिजनेस एनजीओ और मीडिया। जब गवर्नमेंट बिजनेस एनजीओ और मीडिया के क्षेत्र में देखा जाता है तो इंडिया अभी भी बहुत मोस्ट ट्रस्टेड नेशंस के लिस्ट में आता है, और इसमें चाइना जो है वो टॉप किया है चाइना लिस्ट ट्रस्ट इंडेक्स में, और इंडिया जो है सेकेंड प्लेस इंडिया ने हासिल किया है इन्फॉर्म्ड पब्लिक कैटेगरी में। इन्फॉर्म्ड पब्लिक कैटेगरी में ये इंडिया का सेकेंड है, और जनरल पॉपुलेशन कैटेगरी में इंडिया का थर्ड प्लेस है। नेक्स्ट है 11th एडिशन ऑफ EIU डेमोक्रेसी इंडेक्स। EIU का फुल फॉर्म है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। इसमें इंडिया का 41st रैंक है, ये आपको रैंक याद रखना है। एज पर द हेनले पासपोर्ट इंडेक्स इंडिया जंप 2 पोजीशन फ्रॉम 81st टू 79th। 2018 में इंडिया का रैंक था 81st, जो कि अब 2019 में 79th आ गया है। ये हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में बताया जाता है, इस बेसिस पर रैंकिंग होता है कि कौन से पासपोर्ट लेके आप मतलब वर्ल्ड में कहीं भी आप विजिट कर सकते हैं। इसमें जापान ने टॉप प्लेस हासिल किया है। नेक्स्ट है, ए रिपोर्ट बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम स्टेटेड दैट इंडिया इज सेट टू बिकम द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर मार्केट बिहाइंड ओनली US एंड चाइना बाय 2030। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये हालांकि उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन बस आप ऐसे बस फैक्ट याद रख सकते हैं। नेक्स्ट, ये आपको डे आप चाहे तो याद रख सकें, 30 जनवरी को वर्ल्ड लेप्रोसी इरेडिकेशन डे के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। द काउंसिल ऑफ यूरोप हैड लॉन्च्ड डेटा प्रोटेक्शन डे टू बी सेलिब्रेटेड ईच ईयर ऑन 28 जनवरी। 28 जनवरी को डेटा प्रोटेक्शन डे ये यूरोपियन काउंसिल ने डिक्लेयर किया है सेलिब्रेट करने को। 25 जनवरी आपको ये पता होना चाहिए नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार का जो थीम है 2019 का ये है नो वोटर टू बी लेफ्ट बिहाइंड। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया ऑन 24 जनवरी। 24 जनवरी को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया में। इस बार का जो थीम होगा 2019 का होगा एम्पावरिंग गर्ल्स फॉर ए ब्राइटर टुमारो। अगला है, इंडिया साइंड ए लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट विद उज्बेकिस्तान फॉर सप्लाई ऑफ यूरेनियम। अभी इंडिया ने उज्बेकिस्तान से यूरेनियम सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। ये सोर्स एज ए सोर्स काम करेगा न्यूक्लियर फ्यूल के लिए। द गवर्नमेंट हैज इंस्टीट्यूटेड एन एनुअल अवार्ड टाइटल सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। ये आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में जो भी फोर्सेज अच्छा काम करेंगे उनके लिए अवार्ड है। अगला, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कॉन्फर्ड द प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। ये 26 लोगों को मिला है, 26 बच्चों को दिया गया है, आपको नंबर याद रखना है। गुजराती पोएट सितांशु यशस चंद्र इनको सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है। अभी इनका जो पोएट्री का कलेक्शन था गुजराती में उसका नाम था वखर, तो ये आपको याद रखना है। विराट कोहली बिकम द फर्स्ट प्लेयर इन हिस्ट्री टू विन द सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी, ये आपको याद रखना है कि ये तीनों चीज में इनको दिया गया है। ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ICC मेंस टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर और ICC ODI प्लेयर ऑफ द ईयर। ठीक है, इनके 2018 में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस के लिए उनको ये नॉमिनेट किया गया था इन तीनों अवार्ड के लिए। सेंटर फॉर एडवांस्ड मटेरियल ऑफ द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स चोज एमिनेंट साइंटिस्ट एंड भारत रत्न रेसिपिएंट CNR Rao। CNR Rao को UAE के सेंटर फॉर एडवांस्ड मटेरियल ने शेख सौद इंटरनेशनल प्राइज फॉर मटेरियल रिसर्च के लिए चुना है। इनको भारत रत्न मिला था CNR Rao को। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश MP अनुराग ठाकुर इनको अभी जो हिमाचल प्रदेश से MP अनुराग ठाकुर इनको संसद रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इनके पार्लियामेंट में अच्छे परफॉर्मेंस के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। एस इंडियन फीमेल रेसलर विनेश फोगाट बिकम द फर्स्ट इंडियन एथलीट टू रिसीव ए नॉमिनेशन इन द प्रेस्टिजियस लॉरेस वर्ल्ड कमबैक ऑफ द ईयर अवार्ड, ये आप याद रख सकते हैं। गांधी पीस प्राइज फॉर द ईयर 2018 हैज बीन कॉन्फर्ड ऑन श्री यूहोई ससाकावा। ये यूहोई ससाकावा को गांधी पीस प्राइज मिला है, उनके लेप्रोसी के फील्ड में उनको काम के चलते उनको ये दिया गया है। ये उन्होंने काम इंडिया और पूरे वर्ल्ड में ये किया है। ए डिटेन्ड चाइनीज राइट्स लॉयर यू वेंसिंग हैज वॉन फ्रैंको जर्मन ह्यूमन राइट्स अवार्ड। फ्रैंको जर्मन ह्यूमन राइट्स अवार्ड ये चाइनीज राइट लॉयर जो है ये यू वेंसिंग को मिला है फॉर हिज एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन टू द प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। उनके ह्यूमन राइट्स के फील्ड में उनके काम के लिए उनको अवार्ड दिया गया है। अगला है, राइटर
नमिता गोखले, इन्होंने सुशीला देवी लिटरेचर अवार्ड जीता है। इनका जो नोवेल था थिंग्स टू लीव बिहाइंड, प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी रिसीव द फर्स्ट एवर फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल अवार्ड। ये आपको याद रखना है क्योंकि ये अभी बहुत कंट्रोवर्सी में भी था ये अवार्ड, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च आर्टिजन स्पीक, ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स ने लॉन्च किया है। ये अगर क्वेश्चन पूछे तो आपको मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स मार्क करना है। ये किया गया था, इसका पर्पस था टू स्ट्रेंथन द हैंडलूम एंड टेक्सटाइल सेक्टर्स ऑफ इंडिया। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज और आयुष श्रीपद यसो नायक इनोग्रेटेड द सेकेंड वर्ल्ड इंटीग्रेटेड मेडिसिन फोरम। ये आपको याद रखना है कि ये गोवा में किया गया था। नेक्स्ट, द टू डे एग्रोविजन 2019 कॉन्फ्रेंस ऑन इन्विजनिंग एग्रो सॉल्यूशंस फॉर स्मार्ट एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर वाज हेल्ड इन हैदराबाद। ये हैदराबाद में हुआ था, ये आपको याद रखना है। अगर पूछा जाए एग्रोविजन 2019 कॉन्फ्रेंस हैदराबाद में था, ये इनोग्रेट किया गया था वेंकैया नायडू के द्वारा। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग सेक्रेटरी अमित खरे एंड ट्राई चेयरमैन आर एस शर्मा इनोग्रेटेड द 25th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन ऑन टेरेस्ट्रियल एंड सेटेलाइट ब्रॉडकास्टिंग BES एक्सपो। ये आपको याद रखना है, न्यू दिल्ली में हुआ था। सेकेंड, दूसरा वर्ल्ड ऑरेंज फेस्टिवल ये नागपुर में हुआ था, नागपुर ऑरेंज के एक्सपोर्ट के लिए फेमस भी है बहुत। यूनियन मिनिस्टर फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज सुरेश प्रभु इनोग्रेटेड इंडिया रबर एक्सपो। ये 2019 जो है इंडिया रबर एक्सपो मुंबई में हुआ, इसको सुरेश प्रभु ने इनोग्रेट किया था। इन ऑर्डर टू प्रमोट माइक्रो इरीगेशन अमंग्स फार्मर्स मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स एंड रिवर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइज 9th इंटरनेशनल माइक्रो इरीगेशन कॉन्फ्रेंस। ये आपको याद रखना है कहाँ हुआ था ये 9th इंटरनेशनल माइक्रो इरीगेशन कॉन्फ्रेंस, ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में हुआ। नेक्स्ट, सिविल एविएशन मिनिस्टर सुरेश प्रभु इनोग्रेटेड द ग्लोबल एविएशन समिट। ग्लोबल एविएशन समिट मुंबई में हुआ, ये सुरेश प्रभु ने इसको इनोग्रेशन किया। मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स कर्नल राज्यवर्धन राठौर इनोग्रेटेड द नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल 2019 न्यू दिल्ली में हुआ। ये आपको याद रखना है, जो भी ये बोल्ड से मार्क किया हुआ है आपको याद रखना है। ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स लॉन्च न्यू इनोवेशन स्ट्रेटजी एट रैसिन एटलोग। इसका जो इनिशिएटिव था उसको टाइटल दिया गया था फेयर वैल्यू फॉर इनोवेशन, ये आपको याद रखना है। ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स चैम्बर लॉन्च न्यू इनोवेशन स्ट्रेटजी एट रैसिन एटलोग। ये जो स्ट्रेटजी था इसका नाम दिया गया था फेयर वैल्यू फॉर इनोवेशन। नेक्स्ट, फर्स्ट नेशनल कंसल्टेशन ऑन चाइल्ड प्रोटेक्शन फॉर 2019 वाज हेल्ड एट इंडिया हैबिटेट सेंटर न्यू दिल्ली। नेक्स्ट, पीएम मोदी इनोग्रेटेड द 106th इंडियन साइंस कांग्रेस एट जालंधर पंजाब, द थीम इज फ्यूचर इंडिया एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सो दिस वाज ऑल, थैंक यू।